वो क्या तीन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट अपनी ऐसे राइटिंग में करता है जिसकी कीमत उन्हें उनके सिलेक्शन से चुकानी पड़ती है। मेरा नाम है हेमंत, आई एम अ ट्यूटर एट द लर्नर। एक एक करके जानते हैं वो क्या तीन मिस्टेक्स है। फर्स्ट, दे राइट विदाउट पर्पस। इसका मतलब है कि जब किसी स्टूडेंट को कोई एसे दिया जाता है तो दे जस्ट स्टार्ट राइटिंग विदाउट नोइंग कि वो कौन सा पॉइंट है जिसको वो सपोर्ट करते हैं, विदाउट नोइंग कि वो कौन सा पॉइंट है जिसको वो एम्फसाइज करना चाहते हैं अपने रीडर के ऊपर। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो जो आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल नंबर 1 आ रहा है वो एग्जाम्पल है बैड राइटिंग का। सो जब आपने पढ़ा होगा आपको इसके राइटर का पर्पस समझ नहीं आया होगा। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है गुड राइटिंग का। सो जब आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आया होगा कि ये राइटिंग एम्फसाइज करना चाहती है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन। सो जब आप लिखें तो इट शुड बी पर्पसफुल कि आप क्या एम्फसाइज करना चाहते हैं अपने रीडर को। सेकंड मिस्टेक, दे यूज अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। आप सभी को पता है कि जो स्ट्रक्चर्ड ऐसे होता है वो फॉलो करता है इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, लेकिन जो बैड राइटिंग होती है वो किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती। लेट्स से जो एग्जाम्पल नंबर 1 है बैड राइटिंग का, क्या वो किसी एसे का इंट्रो हो सकती है? डेफिनेटली नॉट। लेकिन जो राइटिंग नंबर 2 है वो इंट्रो हो सकती है एक एसे का ऑन मोबाइल फोन। सो योर राइटिंग मस्ट बी इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। थर्ड, दे लैक स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। जो बैड राइटिंग होती है वो फालतू के वर्ड्स यूज करते हैं। दे डू नॉट यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, दे यूज लूज वर्ड्स। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, इट वॉज द मोबाइल फोन विच रेस्क्यूड मैनी पुअर स्टूडेंट्स। अगर इसको स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में लिखना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीफ एंड ब्रेविटी, सो हम लिख सकते हैं मोबाइल फोन रेस्क्यूड मैनी पुअर स्टूडेंट्स। लेकिन जो बैड राइटिंग होती है वो फालतू के वर्ड ज्यादा यूज करती है। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीफ एंड ब्रेविटी। सो अगर आपको अपनी राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाना है सो योर राइटिंग मस्ट बी फर्स्ट पर्पसफुल, सेकेंड यूजिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, थर्ड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीफ एंड ब्रेविटी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर मेकिंग योर राइटिंग ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।